हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और आज हमें स्टार्ट करना था टॉपिक ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो पहले स्टार्ट करते हैं ग्राम एटॉमिक मास से। तो देखो, जो हमने पीछे एटॉमिक मास पढ़ा था और जो ग्राम एटॉमिक मास अभी हम पढ़ रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप न्यूमेरिकली देखो तो न्यूमेरिकली कोई डिफरेंस नहीं है, बस यूनिट हम वहाँ पर यू लगाते थे, यहाँ पर हम ग्राम लगाएंगे, ठीक है। बाकी डेफिनेशन क्या है ग्राम एटॉमिक मास की? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। देखा, वही मैं कह रहा था ना कि जो न्यूमेरिकली इक्वल होता है, न्यूमेरिकली इक्वल होता है, उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। बस यूनिट जो है वहाँ पे एटॉमिक यूनिट होती थी, यहाँ पे ग्राम्स यूज होता है, इसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास हमने पढ़ा था वो होता है 16U। अब बस इस एटॉमिक के पीछे ग्राम लगा दो तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम या 16G, वही चीज़। तो बस यूनिट में चेंज आता है, 16U की जगह 16 ग्राम्स हो जाता है। अब जैसे हमसे बोला जाए एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ H2, एटॉमिक मास ऑफ H2 क्या होगा, 2 × 1 2U, और ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, 2 ग्राम, बस U की जगह G लग जाएगा, ग्राम लग जाएगा। और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, देखो, मतलब अगर सिर्फ 1U, जैसे ऑक्सीजन है, अगर 16U लिखा है तो 16U मतलब वो एक ऑक्सीजन के एटम का मास डिफाइन कर रहा है। पर अगर 16 ग्राम लिखा है तो वो 1 मोल ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 6.022 × 10⁻²³ एटम्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेन डिफरेंस है यू में और जी में। अगर हम 16U लिखते हैं, अगर एटॉमिक मास लिखते हैं, तो वो सिर्फ एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम 16G लिखते हैं, 16 ग्राम लिखते हैं, तो वो 6.022 × 10⁻²³ एटम्स को डिफाइन करता है, 1 मोल ऑफ एटम्स को डिफाइन करता है, नॉट अ सिंगल एटम, बट 6.022 × 10⁻²³ एटम्स। उसके बाद मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, ये भी एक डेफिनेशन है, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब जो हमने अभी ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा है, हम उसको मोलर मास भी कह सकते हैं। अब ये मोलर मास एटॉमिक के लिए भी होता है, मॉलिक्यूलर के लिए भी होता है, अभी आगे आएगा मॉलिक्यूलर मास। तो मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास इज़ वन एंड द सेम थिंग। मोलर मास भी क्या होता है, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस का मास, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर डिफाइन किया ना, 6.022 × 10⁻²³ एटम्स का मास उस एलिमेंट के, उसे ही हम मोलर मास कहते हैं, उसे ही हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। मॉलिक्यूल के केस में उसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। यहाँ तक समझ आया? अब आ गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सेम चीज़, यू की जगह जी लग जाता है, बस एटॉमिक मास में हम एटम्स के लिए देखते थे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, OHC, या हम मॉलिक्यूल्स के लिए देखेंगे O2, H2O, CO2, इन सब मॉलिक्यूल्स के लिए मास देखेंगे। सो डिफाइन तो हम वही करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकल इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, बट एटॉमिक मास की जगह मॉलिक्यूलर मास आ गया, इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सेम डेफिनेशन है। अब जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो भी रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स को। मतलब अगर हम बात करें मास ऑफ H2O, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, वो होता है 18U, ठीक है, H2O का जो मास होता है वो 18U होता है। तो अगर हम 18U लिख रहे हैं तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। पर अगर हम 18 ग्राम्स लिख रहे हैं तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल ऑफ H2O, मतलब 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, जो सेम एटम्स में था वही सेम मॉलिक्यूल्स में है। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के S8 है, S8 मतलब मास ऑफ सल्फर × 8, ऐसे ही हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते थे। कैलकुलेट हमें वही करना है, मॉलिक्यूलर मास 256। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हम ग्राम में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ग्राम पर मोल हम लिखेंगे। अगर हमें यूनिट में कैलकुलेट करना होता तो हम सिर्फ क्या लिखते हैं, 256U, बट वो रिप्रेजेंट करता सिर्फ एक मॉलिक्यूल को। यहाँ हम ग्राम पर मोल लगा के हम रिप्रेजेंट करें 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स को। P4, तो मास ऑफ P × 4, 31 × 4, 124 ग्राम पर मोल। HCl, मास ऑफ H प्लस मास ऑफ Cl, हाइड्रोजन का प्लस क्लोरीन का, 1 होता है हाइड्रोजन का, 35.5 होता है क्लोरीन का, 36.5 ग्राम पर मोल। ये जो मास हैं ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक बेसिक से याद कर लें ताकि टाइम बच जाए। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, O2 का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, तो बेसिक याद कर लेना। बाकी आपको जो
मतलब वो आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें लिखे रहते हैं, ठीक है। बेसिक याद करना है जो मैं बता रहा हूँ ना, हाइड्रोजन का 1U, ऑक्सीजन का 16U, कार्बन का 12U, नाइट्रोजन का 14U, ऐसे ये बेसिक बेसिक जो है स्टार्टिंग के, उनके याद कर लेना बस। फिर है HNO3। HNO3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है क्योंकि, मास ऑफ नाइट्रोजन 1 है, मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 3 क्योंकि 3 है, तो 1 + 14 + 3 × 16, इसको सॉल्व करके आ गया 63 ग्राम पर मोल। तो ये 63 ग्राम पर मोल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मोल ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल्स, 1 मोल HNO3 मॉलिक्यूल्स का, मतलब 6.022 × 10⁻²³ मोल्स ऑफ HNO3 हैव अ मास ऑफ 63 ग्राम पर मोल। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल कंसेप्ट, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। अब ये जो अभी हम इतनी देर से ऊपर मोल्स करते आ रहे हैं, ये सब, इन सब से आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि जो मोल होता है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एज अ ग्रुप ऑफ 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयन्स भी हो सकते हैं उस सब्सटेंस के। जैसे अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ Fe, तो इसका क्या मतलब है? वो है 1 मोल ऑफ आयरन एटम्स या 1 मोल ऑफ आयरन मॉलिक्यूल्स, मतलब 6.022 × 10⁻²³ एटम्स भी हो सकते हैं आयरन के, 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं आयरन के, ठीक है। ये चीज़ मैंने लिखी है, 1 मोल ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻²³ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अगर एटम्स है तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स। अब मोल हम बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं? ये एक लिंक की तरह एक्ट करता है मास ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स के बीच, ठीक है। ये क्या है? एक कनेक्शन है बेसिकली। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हम 12 को डजन बोलते हैं, है ना। हम 12 बनानाज अगर हैं तो उसे डजन बोलते हैं ना, डजन ऑफ बनानाज। अगर 10 है तो हम उसे डिकेड बोलते हैं, 10 ईयर्स डिकेड। 100 को हम सेंचुरी बोलते हैं। तो सिमिलरली 6.022 × 10⁻²³ को हम एक मोल बोलते हैं। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आया होगा। जैसे मैं दोबारा बताता हूँ, जैसे 100 है, 100 को हम कलेक्टिवली सेंचुरी बोलते हैं ना, 100 इज़ अ सेंचुरी, 10 इज़ अ डिकेड, 12 इज़ अ डजन। सिमिलरली जो मोल है वो है 6.022 × 10⁻²³। सो इट इज़ अ लिंक बिटवीन मास ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। बस ये एटम्स मॉलिक्यूल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल लिख लिया, जैसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब 6.022 × 10⁻²³ एटम्स। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब मोल्स हमारे पास एटम्स के होते हैं और मॉलिक्यूल्स के होते हैं। तो अगर हम पहले एटम को देखें तो क्या है? 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ अ मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। वही चीज़ जो हमने ग्राम एटॉमिक मास में पढ़ी थी, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ग्राम एटॉमिक मास में पढ़ा था कि वो मास एटम का जो 1 मोल एटम्स का होता है, मतलब 1 मोल में जो होता है, तो वही चीज़ है। 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैज़ अ मास इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 6.022 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास भी 16 ग्राम पर मोल होगा। वही चीज़ जो ऊपर बताई थी, बस उसका उसकी स्टेटमेंट में चेंज होकर यहाँ पे डेफिनेशन में आ गया है मोल्स ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम को हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16 ग्राम। मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी कितना होगा? 16 ग्राम्स। मतलब एक और चीज़, 6.022 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन भी कितना होगा? 16 ग्राम्स, ठीक है। आई होप आपको इससे समझ आ गया होगा। सिंबल जो होता है किसी एलिमेंट का, वो भी 1 मोल ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे अगर मैंने सिर्फ ओ लिखा है ना, सिर्फ ओ, तो ओ एक एटम को भी रिप्रेजेंट करता है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जब मैंने सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मूला लिखवाया था ना पिछली वीडियोस में, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, उसमें मैंने ये चीज़ लिखवाई थी कि अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट, कैन रिप्रेजेंट 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट और 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। अब 2O, ये 20 नहीं है, ठीक है। 2O रिप्रेजेंट्स 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सिंगल O था 1 मोल, 3O हो जाता तो 3 मोल्स, एंड एज सच ये चलता रहता।
अब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बस एटम्स की जगह मॉलिक्यूल्स लगा दो. वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज़ अ मास इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस. ठीक है, वन मोल ऑफ एटम में क्या था, ग्राम एटॉमिक मास. वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. अब जैसे वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, वन मोल ऑफ ओ टू, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम. ओ टू कितना होगा, 16 × 2 = 32, क्योंकि ओ का 16 होता है. और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के लिए. नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस या फिर वन एटम, सॉरी वन मॉलिक्यूल. या तो वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकता है या एक सिंगल मॉलिक्यूल भी हो सकता है. ये बताया था मैंने जब मैं बता रहा था सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको देख सकते हैं. उसमें सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट में था एटम्स के लिए, और सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस था मॉलिक्यूल्स के लिए. तो मॉलिक्यूल्स के लिए जब मैंने बताया था तब ये चीज़ बताई थी कि जो एक फॉर्मूला होता है, जैसे H2O है, तो H2O वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी रिप्रेजेंट कर रहा है और वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी रिप्रेजेंट कर रहा है. तो सिमिलरली मैंने O2 लिया यहाँ पे. O2 जो है वो एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. 2O2 दो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अब अगर हम जितना भी अभी तक हमने पढ़ा, अगर हम उसे एक साथ देखें, तो मोल हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है. क्या क्या, इट रिप्रेजेंट्स अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस, एक पर्टिकुलर डेफिनेट अमाउंट उस सब्सटेंस का हमें बताता है. इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक और मॉलिकुलर मास. मतलब जैसे ऑक्सीजन एटम का 16 हुआ है, तो ऑक्सीजन के मोल का कितना होगा, 16 ग्राम्स. तो एक डेफिनेट मास हमें पता चल गया. एंड इट रिप्रेजेंट्स अ डेफिनेट नंबर, डेफिनेट मास बता रहा है और डेफिनेट नंबर बता रहा है. वही चीज़ हमने ऊपर पढ़ी थी कि मास ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम्स, या मास ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में एक लिंक की तरह एक्ट कर रहा है मोल. तो वही चीज़ हमें बता रहा है ये, डेफिनेट मास फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेट नंबर सेकेंड पॉइंट. और वो डेफिनेट नंबर कितना होता है, 6.022 × 10⁻²³ इन वन मोल. वही चीज़ जैसे 12 in 1 dozen, 10 in 1 decade, 100 in 1 century, 6.022 × 10⁻²³ इन वन मोल. इसी के साथ यहाँ पे ये टॉपिक इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है वो बचा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में जहाँ तक है हम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे.